तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अननोन टेक्निकल में। तो मैं हमेशा की तरह एक बेहतरीन वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ काइन मास्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, बिल्कुल हिंदी में और बिल्कुल आसान भाषा में फुल ट्यूटोरियल आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो फॉर न्यू बिगनर के लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो लोग जो नए नए यूट्यूबर्स होते हैं उनको एडिटिंग में प्रॉब्लम्स होती है, जिन्होंने अपना चैनल बनाया है बनाने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है एडिटिंग करना, वीडियो को एडिट करना। और जितना ही अच्छा हमारा वीडियो एडिट होगा उतने अच्छे व्यू आते हैं। तो दोस्तों आज मैं वही बताने वाला हूँ काइन मास्टर का फुल ट्यूटोरियल। पहले दोस्तों आपको काइन मास्टर डाउनलोड करना होगा अपने प्ले स्टोर से। तो सबसे पहले आप काइन मास्टर डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से। फिर उसके बाद देखिए ये ऐसा इंटरफेस आपके पास खुलकर आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्लस के निशान पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे तीन एक्सेप्ट रेशियो मिल जाएंगे देखने को। एक ये 16:9 का और एक 9:16 का, एक 1:1 का। तो दोस्तों हमारी जो YouTube वीडियो होती है वो 16:9 की होती में बनती है, और जो रील्स वगैरह होती हैं वो 9:16 में बनती हैं, और ये कोई भी नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए 1:1 होता है। तो दोस्तों चूँकि हमको यूट्यूब वीडियो का एडिटिंग करनी है, एडिटिंग बतानी है, तो 16:9 पे चले जाते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आपके सामने। तो दोस्तों आज मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर देखिए मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अब ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, आज मैं देखो आपको एडिटिंग करना सिखाऊँगा। तो सबसे पहले एक मैं कोई वीडियो उठा लेता हूँ। देखिए मैंने एक ये वीडियो ले ली है अपनी, और इस पर मैं आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा, फुल ट्यूटोरियल दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको चालू करके दिखा देता हूँ। अगर सबसे पहले आपको बताता हूँ इस वीडियो में कलर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली सबसे पहले इसी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कैंची का निशान आएगा, ये यहाँ वॉइस का निशान आएगा, स्पीड का आएगा, रिवर्स का आएगा, रोटेट, मिररिंग, कलर फिल्टर, एडजस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कलर फिल्टर के नीचे एक एडजस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इसको कलर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो की कलर ज़्यादा वाइट आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है, तो आप यहाँ से ये डाउन कर सकते हैं या फिर आपका वीडियो हल्का सा ब्लर हो रहा है तो आपको इसको ऊपर करके यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। इससे आपका जो वीडियो ब्लर हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो में यहाँ पे लग रहा है कि कलर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, कलरफुल कम आ रहा है, तो यहाँ से आप साइड से अपना ये देखिए कलरफुल बढ़ा सकते हैं, या आपको ये घटाना हो घटा सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए मैं आपको कलर एडजस्ट करना सिखा चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो को कट करके कैसे एडिट करें। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे आप कोई वीडियो है, मैं यहाँ से इतनी वीडियो चल गई, और यहाँ पे आपको रोक देना है। सिंपली जहाँ से आपको काटना है उसको अपने ड्यूरेशन को वहीं पर रोक देना। देखिए 3:152 पे आपको रोक दिया है मैंने। अब इस वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन खुल के आ जाएंगे आपके सामने, और यहाँ पर देखिए ऊपर कैंची का एक आइकन बन के आ रहा होगा, आपको सिंपली इसी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको पीछे का आगे का काटना है तो ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड ऊपर दिया हुआ है, देखिए मैं काट के दिखा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका कट गया, ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड हो गया, जो आगे का पोर्शन था वो कट चुका है। और अगर आपको दोबारा फिर से वही लेकर आना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आपका ड्यूरेशन पर टच करिए और ऐसे करके बढ़ा दीजिए, आपका फिर से वहीं से वापस आ जाएगा। और अगर दोस्तों आपको पीछे का काटना है तो आपको फिर से वहीं वीडियो पर क्लिक करना है जहां से आपको काटना है, अब वहीं पर जाकर रुक जाइए और वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए आइकन ऊपर कैंची का खुलकर आ जाएगा फिर से आप क्लिक करिए, और यहाँ पर देखिए ट्रिम टू राइट प्लेट, तो आप यहाँ से ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखिए ट्रिम टू लेफ्ट ट्रिम टू राइट प्लेहेड हो चुका है।
और दोस्तों अगर आपको फिर से लाना है तो मैं बता चुका हूँ, इसको फिर से आपको ड्यूरेशन ऐसे पकड़कर बढ़ा देनी है। ऐसे करके आप बढ़ा देंगे तो फिर से वहीं से वीडियो जितना आपको बढ़ाना है उतना वीडियो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यहीं पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जा रहा होगा, देखिए स्प्लिट एट प्लेहेड। तो दोस्तों ये स्प्लिट एट प्लेहेड में क्या होता है कि जैसे कोई भी वीडियो आपको आधी आधी करनी है मतलब बीच से उसको काटना है, तो आपको जहाँ से काटना है आप वहाँ पर जाइए वहाँ पर रुक कर और वीडियो पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। जैसे वीडियो पर क्लिक करेंगे तो फिर से कैंची का निशान आ जाएगा, फिर यहाँ कैंची के निशान पर क्लिक करके यहाँ स्प्लिट टू प्लेहेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी वीडियो दो भागों में हो गई। तो दोस्तों ऐसे स्प्लिट टू प्लेहेड का काम ये होता है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करके आप जैसे आप इसको डिलीट करना चाहते हैं आगे वाला पोर्शन, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ बगल में देखिए एक आपको डस्टबिन का आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है और हमारा वो उतना वीडियो डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको फिर से लाना है तो आपको फिर से वही करना होगा, ड्यूरेशन ऐसे पकड़कर आप वीडियो पर क्लिक करके ऐसे बढ़ा दीजिए तो आपका फिर से आ जाएगा। आपको इस पर कुछ लिखना है अपनी वीडियो पर, जैसे कि मैंने ये देखिए ऊपर लिख रखा है अपने चैनल का नाम अन्नू टेक्निकल। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए आपको साइड पर लेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस लेयर पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए एक नीचे से दूसरे पर सेकेंड लास्ट यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं लिख देता हूँ अन्नू टेक्निकल, लिखकर यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए आ चुका है हमारा नाम लिखकर यहाँ से चैनल का, आपको यहाँ से जहाँ पे इसको रखना है वहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको इसका फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ से जहाँ पे आपको डबल ए लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इतने सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, आपको जिस तरीके का फॉन्ट लेना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखिए मैं चूज़ करके दिखा देता हूँ, ऊपर से सेकेंड वाला ये चूज़ किया, यहाँ से क्लिक कर देना है आपको। तो ये देखिए हमारा लिख कर आ चुका है अन्नू टेक्निकल, देखिए फॉन्ट हमारा चेंज हो चुका है। आपको दोबारा फिर से फॉन्ट चेंज करना हो तो यहाँ पे देखिए बोल्ड कर देना है, अगर डार्क दिखाना है आपको तो बोल्ड कर दीजिए। यहाँ से दे देखिए हमारा लिख के आ चुका है। फिर यहाँ से अगर आपको ये देखिए नीचे एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा लैटिन, आपको अगर लैटिन भाषा में करना है तो आप लैटिन लैंग्वेज में आराम से यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सिंपली बैक चला जाता हूँ। फिर दोस्तों अगर आपको इसी टेक्स्ट पर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए वाइट, एक वाइट कलर का आपको बॉक्स टाइप में दिख रहा होगा, आप सिंपली इसी पे क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतने सारे आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे, आप जो कलर्स आपको पसंद आए उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कलर थोड़ा सा डाउन लग रहा है तो जैसे मैंने ये कलर ले लिया, आपको ये कलर थोड़ा सा डाउन लग रहा है आपको कलर बढ़ाना है तो यहाँ पर लाकर आप इसको यहाँ से कलर एडजस्ट भी कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं या यहाँ से आराम से डार्क या लो कर सकते हैं आराम से। और यहाँ से आपको ये देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक कर दीजिए, देखिए हमारा ये फॉन्ट रेड हो चुका है। और आपको और कोई कलर करना है तो यहाँ से देखिए मैं ब्लैक करके दिखा देता हूँ, ब्लैक हो गया। फिर से मैं देखो आपको रेड करके दिखा दे रहा हूँ, रेड हो गया। तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं फॉन्ट के साथ, फॉन्ट चेंजिंग कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए इसी फॉन्ट में एक और ऑप्शन होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा आउटलाइन। अगर आपको अपने इस फॉन्ट में वर्ड्स पे आउटलाइन देनी है तो आप यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर की आउटलाइन आ चुकी है, ये देखिए अगर दोस्तों आप अपने आउटलाइन का कलर, और यहाँ से दोस्तों आपको इनेबल करना पड़ेगा तभी ये आउटलाइन शो करेगा। अगर आपको और कोई कलर लगाना है, ब्लैक नहीं लगाना, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर यहाँ से आपको कलर चेंज कर लेना। ये देखिए हमारा कलर चेंज हो गया, यहाँ से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्लैक ही अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर लेता हूँ, ये देखिए
दोस्तों इसी में फॉन्ट में एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए शैडो। तो आपको यहाँ शैडो देनी हो तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए इसको इनेबल कर, और यहाँ पे देखिए हमारी शैडो भी आ चुकी है किनारे किनारे। और भी कई ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से ग्लो करना चाहें तो अपना ग्लो कर सकते हैं। ये देखिए ये ग्लो आ गया, ग्लो करना चाहें ग्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, आपको चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं आप। ये देखिए ऐसा करेंगे तो इतने में ही आएगा। और दोस्तों अगर आपको पूरा में करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकिए तो पूरे में लाइन बनकर आ जाएगी। तो ये तो था फॉन्ट का। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों ये देखिए उसी तरह आपको ये देखिए फॉन्ट लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो दोस्तों आप देखिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ। तो दोस्तों अगर कोई भी आपको यहाँ से मीडिया लगानी हो तो आप यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी मीडिया सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से देखिए कुछ भी आप सेलेक्ट करके यहाँ से लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से लगाने से पहले देखिए जैसे ये मैं लड़का लगा देता हूँ यहाँ पे देखिए, तो ऐसे आप किसी को भी लगा सकते हैं। कोई भी आप PNG गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लीजिए, उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए और यहाँ से फिर आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। इस पर सेलेक्ट करके आप इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं आसानी से, और आपको कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ। और दोस्तों अगर आपको इसका किसी भी PNG का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के रख दी है, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी वीडियो। आप वहाँ से क्लिक कर बैकग्राउंड रिमूव करना सीख जाएंगे बहुत ही आसान तरीका से, और कुछ भी उसमें इतना फिनिशिंग अच्छी आएगी बैकग्राउंड रिमूव की कि आप कहोगे हाँ बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया है, बहुत ही मस्त ट्रिक है। तो ऊपर आई बटन पर आप जाइएगा, वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कोई भी सभी अगर आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लेयर पे क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हैंड राइटिंग, तो आप यहाँ हैंड राइटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखिए कोई सा जो कलर आपको दिखाना हो वो कलर ले लेंगे। मैं रेड ले लेता हूँ और यहाँ से आपको देखिए एक ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप एरो करना चाहते हैं या ट्राइंगल करना चाहते हैं या वर्गाकार करना, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं शो कराने के लिए, हाईलाइट करने के लिए किसी चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ से देखिए उसका मैं थोड़ा सा पॉइंट छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ। और ये देखिए यहाँ से मैंने इसको ऐसे करके हाईलाइट कर दिया। तो कोई भी आप बता रहे हैं इससे कोई भी ऑप्शंस आप बता रहे हैं, तो अगर फ़ोन में नहीं समझ में आ रहा है आपकी वीडियो में तो आप इसको ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर जैसे आपने ऐसे करके हाईलाइट किया और आपको दिक्कत हो रही वो गलत हो गया थोड़ा सा, तो आपको उसी पे हैंड राइटिंग पर क्लिक करके इसको ऊपर नीचे ऐसे करके कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जिस और इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले ऑप्शंस की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए आपको एक इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप जैसे कोई भी अपना यहाँ से दो इफ़ेक्ट मिल जाएंगे आपको। यहाँ से देखिए मैं पहला वाला इफ़ेक्ट आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग कोई वीडियो बताते हैं उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उतना लाइन ब्लर करनी पड़ जाती है। वो इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट यही काम करता है। ये देखिए मैं ये प्लीज़ लिखा हो इसको ब्लर कर दिया हूँ, इसको यहाँ से आपको ब्लर वहाँ से उठा लेना और यहाँ पे ऐसे करके लगा देना इफ़ेक्ट पे। ये देखिए हमारा ब्लर हो चुका है, जहाँ आप इसको उठा के लगाना चाहो, छोटा बड़ा करना चाहो छोटा बड़ा हो जाएगा, आराम से ऐसे इफ़ेक्ट लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं चलता हूँ लेयर के अगले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ओवरली दिख रहा होगा, एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओवरली। तो आपको
ओवरली अगर आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, देखिए इतने सारे आपको ये टेम्पलेट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, सॉरी ये टेम्पलेट्स नहीं ये इमोजी हैं, इमोजी ले लेते हैं अगर आपको लगाना हो तो। दोस्तों ये देखिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, हार्ट वाला, तो ये देखिए ये हमारा इमोजी आपको लगाना हो तो यहाँ से आप कोई भी इमोजी ऐसे करके ओवरली पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखिए ओवरली पर आएगा तो यहाँ पर देखिए ये तीन ऑप्शंस टाइप में बन कर आएंगे ऊपर साइड, आप यहाँ से चाहो तो इसको बीच वाले से इसमें कोई सा भी एनिमेशन कर सकते हो। फ्लिकर देखिए ये ब्लिक स्लो, फ्लिकर, पल्स, जिटर, फाउंटेन, रिंग, फ्लोटिंग, रैन, क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे कोई भी इस पर इफेक्ट लगा से एनिमेशन लगा सकते हो। तो दोस्तों फिर उसके बाद देखिए मैं अगले ऑप्शंस की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एक माइक बना हुआ है, यहाँ से आप माइक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जैसे कुछ बोलते हैं तो यहाँ से वॉइस आप स्टार्ट करके रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ, हेलो दोस्तों आपका स्वागत है माई वीडियो अननोन टेक्निकल में, तो मैं ऐसे ही देखिए करके दिखा दे रहा हूँ, फिर यहाँ से आपको स्टॉप करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये देखिए पहले मैं वीडियो का बंद कर लेता हूँ, अब देखिए आपको सुनाई देगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आप अपना रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ भी। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ से आप कोई भी अपनी ऑडियो उठा लीजिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका चला जाएगा ऑडियो पे, तो आप यहाँ से कोई सा भी ऑडियो उठाकर लगा सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए यहाँ से आप ऐसे करके सेलेक्ट कर लीजिए, आप यहाँ से क्लिप ग्राफिक लगाना चाहें तो यहाँ से आप क्लिप ग्राफिक लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमारा एरोप्लेन जा रहा है, ऐसा क्लिप ग्राफिक चाहिए या ऐसा चाहिए, आपको जिस टाइप का क्लिक ग्राफिक चाहिए, जैसे निकल के आ रहा है टाइटल द टेक्स्ट, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं अपने चैनल का, जैसे मैं डाल देता हूँ अननोन टेक्निकल। तो ये देखिए दोस्तों मेरा नाम लिखकर आने लगा है। तो दोस्तों ऐसा ही भी आप क्लिक ग्राफिक कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ से नॉन लिखा हुआ है, यहाँ से नॉन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ, सॉरी तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस की तरफ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको बढ़ाना है, तेज करना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो आप यहाँ से वीडियो पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए स्पीड का ऑप्शंस है, अब यहाँ पे इसका इस तरफ करेंगे तो कम हो जाएगा, इस तरफ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए देखिए इस तरह आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं फिर से वैसे ही कर लेता हूँ जैसा कि था। और दोस्तों यहाँ से देखिए आप अपना आवाज़ इसका बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं वॉल्यूम, इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से कई ऑप्शन है, यहाँ से आपको आवाज़ मोटी हो जाएगी और फिर से वैसी ही हो जाएगी, तो यहाँ से आप इसका बेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ से देखिए सबसे पहले अगर यहाँ से देखिए आपको इस चीज़ की फ़ोटो लेनी है तो आप यहाँ पे बॉक्स आपको साइड में देख रहा होगा, आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, कैप्चर एंड सेव, कैप्चर एड एस क्लिप एंड कैप्चर एड एस लेयर। अगर दोस्तों यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से ये कैप्चर हो जाएगा, फ़ोटो खिंच जाएगी और आपकी गैलरी में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारी फ़ोटो आ चुकी है, ये देखिए फ़ोटो मैंने क्लिक की थी, ये देखिए आ चुकी है, मैं यहाँ से फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों देखिए मैं यहीं पर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए कैप्चर एंड ऐड एस लेयर, तो आप दोस्तों यहाँ से लेयर पे भी लगा सकते हैं, देखिए हमारे नीचे लेयर आ गई है।
अब इसको लेयर यहाँ से ऐसे बड़ा करके फिर से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं काट देता हूँ। और दोस्तों जैसे कि आपको अपनी वीडियो को जूम करना है तो यहाँ से ये देखिए ऑप्शन से एक देखने को मिल रहा होगा कैंची के बगल में, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको आप ऐसे करके जूम कर सकते हैं। अब जूम करेंगे, जूम करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू का एक निशान दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्लिक, ये देखिए इक्वल हो जाएगा, जिसको आपको जितनी बड़ी करनी है उतनी बड़ी हो जाएगी। आपको हटाना हो तो इस पर ही क्लिक कर आपको ऐसे करके छोटी कर लेंगे, जैसा आपको एडजस्ट करना है आप उसकी इस तरह उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से आप मिररिंग कर सकते हैं, रोटेट, एक और ऑप्शन रोटेट मिल जाएगा, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह का आपको रोटेट करना हो वैसा कर सकते हैं, मिररिंग कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रिवर्स कर सकते हैं, यहाँ से आपको कलर का फिल्टर, कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। ये देखिए ये तो आपको मालूम ही होगा, और यहाँ से आप रिवर्ब का आसान है, जैसे आपका वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आप वॉइस अपनी ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टूडियो देखिए, ये सबसे अपना वॉइस चेंज करने के लिए देखिए स्टूडियो को एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ से अपनी वॉइस को एडजस्ट कर सकते हैं, धीमे ज़्यादा और अच्छी वॉइस कर सकते हैं अपनी यूट्यूब के लिए, कि ऐसी वॉइस की है कोई भी आपका देखे तो आपकी बात सुनता ही रह जाए, ऐसी वॉइस कर सकते हैं यहाँ से आप। तो ये दोस्तों वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। और दोस्तों किसी भी वीडियो का अगर वॉइस निकालना चाहते हैं तो उसका आप वॉइस जो ऑडियो है वो ऑडियो निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलेगा थ्रेड ऑडियो, तो आप सिंपली इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे लेयर बनकर आ जाएगी आपकी ऑडियो की। और अगर आपको फिर से वापस वैसे ही करना है तो आपको सिंपली इसको कट कर देना है, कट करने के बाद वीडियो पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ये देखिए इसको ओके कर देना, आपकी वॉइस फिर से इस वीडियो में आ जाएगी। और दोस्तों ये विगनेट का ऑप्शन आया है, आप यहाँ से ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, किनारे किनारे हल्का सा ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, आपका वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको साइड में शेयर का ऑप्शंस दिख रहा होगा, आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे अपना ऑडियो फेड कर सकते हैं, जैसे ऑडियो चलते चलते लास्ट में धीमे होकर बंद हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आप ऑडियो फेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका ऑडियो फेड होने लगेगा। और दोस्तों जैसे कि आपको कोई किसी भी चीज़ पर एनिमेशन लगाना है तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ एनिमेशन लगाकर, एनिमेटेड करना है कोई भी चीज़ आपको, यहाँ से लेयर से देखिए मैं उठा लेता हूँ, लेयर से उठाने के बाद यहाँ पे देखिए ये वाला मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए पक्षी हैं, आपको इस पर क्लिक करके ये देखिए इन एनिमेशन, आपको इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह आएंगे, पॉप पे करेंगे तो इस तरह आएंगे, कोई सा भी आप करेंगे ऐसे हो जाएगा, या फिर आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट लें, देखो मैं लिख लेता हूँ अपना नाम, ये देखिए इस टेक्स्ट पर आप इन एनिमेशन लगा सकते हैं, ये देखिए पॉप का लगा लीजिए, स्लाइड का लगा लीजिए, काउंटर वाइज का लगा लीजिए, ड्रॉप का लगा लीजिए, स्केल, स्केल डाउन, लेटर बाई, मुझे सबसे अच्छा यही लगता है लेटर बाई, आप इसको भी लगा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से देखिए आप इसका टाइमिंग बढ़ा सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, यहाँ से स्लो कर सकते हैं।
तो ये हमारा इन एनिमेशन हुआ और ये ओवरली है, ओवरली मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर यहाँ पे आउट एनिमेशन है, आप आउट एनिमेशन आउट एनिमेशन है तो आउट एनिमेशन भी वैसे ही है, आपका कोई भी वर्ड है वो किस तरह जाएगा, किस तरह ये एनिमेटेड कर सकते हैं। मैं यहाँ से आप इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये पक्षी आपको साइड में दिख रहे होंगे, अगर आप इन पक्षी को एनिमेटेड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए साइड में एक की बनकर आ रही होगी, आप की पे क्लिक कर लीजिए और इसको देखिए फिर क्या करना है आपको, इसको हल्का सा आगे बढ़ाना है, फिर साइड में प्लस पे क्लिक करना है, फिर इसको ऐसे कर देना है, फिर हल्का सा आगे बढ़ाना है, फिर इस पर प्लस कर देना है, फिर इसको ऐसे कर देना है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे करके कर सकते हो, देखिए मैं करके दिखा तो दोस्तों ऐसे ही आप अपनी वीडियो में एनिमेटेड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये एनिमेशन आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर लेते हैं तो उसको ग्रीन स्क्रीन को भी आप यहाँ से कोरमा की से हटा सकते हैं। जैसे मैं देखिए आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो दिखाता हूँ यहाँ से अपनी, और ये देखिए मैंने ले लिए दोस्तों, जैसे देखिए मैंने ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले लिए। अब इसको लाकर इस पर सेलेक्ट करिए और ये कोरमा की है, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर देंगे और इसका जो कलर है वही कलर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आ चुका है, ग्रीन स्क्रीन जो है वो हट गई है। तो यहाँ से आप अपना ऐसे बटन या कोई भी ग्रीन स्क्रीन वीडियो आप इस पर वीडियो पर लगा सकते हैं, या आपको अच्छी वीडियो बनाना आसान तरीका है आप इस तरह लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड जैसे लेते हैं, यहाँ से आप जैसे कोई बैकग्राउंड एक उठा लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ वाइट कलर का, ये देखिए मैं बैकग्राउंड उठा लिया हूँ। और इसको आप अगर क्रॉप करके लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्रॉपिंग करके इनेबल कर दीजिए और इसको ऐसे करके बढ़ा के जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। जैसे मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको जैसे आपने ऐसे लगाया, लगाने के बाद यहाँ से क्रॉप कर दीजिए, इनेबल कर दीजिए और यहाँ से मास्क पर अब जिस तरह का आपको करना है उस तरह का कर लीजिए। देखिए मैं ये वाला करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐसे कर लेना है आपको, शेप कोई सा शेप उठा लीजिए, जैसे ये हमारा हो गया। अब आपको इस पर कुछ भी लिखना हो आप आसानी से टेक्स्ट पे जाके यहाँ से लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसका कलर चेंज कर दीजिए, ये देखिए मस्त लगने लगा। कुछ भी ऐसे ही कहीं पर एडजस्ट करके आप लगा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप ब्लेंडिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, अब यहाँ से ब्लेंडिंग भी आसानी से कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट हार्ड लाइट आराम से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लगभग पूरा काइंड मास्टर आपको चलाना सिखा दिया हूँ। तो दोस्तों ये देखिए एक ऑप्शन और रह गया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जब कोई लेयर लगाते हैं तो उसका अगर आपको डुप्लीकेट चाहिए तो यहाँ से आप डुप्लीकेट कर लेंगे, ये देखिए डुप्लीकेट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे उठाकर ऐसे साइड में कर देंगे, ये देखिए आपके दो बर्ड्स आ चुके हैं। और भी करना चाहें तो ऐसे और भी आप डुप्लीकेट ले सकते हैं और ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेंड टू बैक कर सकते हैं। अगर कोई भी आपने वर्ड लिखा है और उसको आपको इस वीडियो के जो वीडियो आपने लगाई उस वीडियो के पीछे लगाना है तो आपको साइड सिंपल से साइड पे चले जाना है, यहाँ पे आपको सेंड टू बैक कर देना है तो वो शब्द या कोई वीडियो आपको जस्ट इसके पीछे चली जाएगी यहाँ से। और फिर उस वीडियो को यहाँ से आपको अगर सामने लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट लिखा हुआ है आप इससे ला सकते हैं।
तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, लगभग आज मैंने पूरी सेटिंग आपको बता दी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए YouTube जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज मैंने पूरा काइंड मास्टर आपको चलाना सिखा दिया है, फुल ट्यूटोरियल दे दिया है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल अन्नू टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में।